अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों को, सुनते कानों को, दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना भाई मज़र इकबाल और आप देख रहे हैं बाबा फरीद काला तितर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भाई आपके लिए जो भी वीडियो बनाते हैं आपको पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो आज के कमेंटों को देख के काम कर रहे हैं कि हमारे पास आज 3-4 दिन हो गए थे, मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों की जो है कमेंट में यही शिकायत थी कि हमारा जो तितर है, हमारा जो परिंदा है, वो सफ़ेद बीठे कर रहा है। तो उसकी क्या वजह है, उसका क्या मसला है, तो भाई उसका हल बताएं। तो हमने बोला यार टाइम नहीं मिल रहा था, जैसे ही टाइम मिला तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो उसकी वजह भाई क्या है कि आपका परिंदा जो है आजकल का जो मौसम चल रहा है, आपको पता है कि मौसम गर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होती जा रही है और आजकल की जो हवाएं हैं थोड़ी सी ख़तरनाक चल रही हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा भाई इसको परिंदे को घर में ना छोड़ें। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो है, मैंने उनसे पूछा, उनसे चीज़ को नोट किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से परिंदा सफ़ेद बीट कर रहा है। तो सारा कुछ पूछने के बाद एक ही चीज़, एक ही रीज़न सामने नज़र आ रहा है। मेरा भाई आप ऐसा करें, अपने तितर को घर में ना छोड़ें। आपका तितर घर में पड़ा होता है, उसको टोरा नहीं मिल रहा, एक चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे जब आप टोरे पे ले के आएँगे तो उसको ये सब्ज पत्तियाँ खिलाएँ, उसको बाद पिलकें खिलाएँ, तरह तरह के जो है स्तूत खिलाएँ, हर तरह की यार मौसम के हिसाब से या निज़ाम के हिसाब से अपने परिंदे को बाहर टोरा देंगे ना, तो साफ ज़ाहिर है जब परिंदा बाहर आएगा पैलियों में आप कुछ ना कुछ उसको ज़रूर खिलाते रहेंगे। तो घर के अंदर तो हम शुरू से एक ही दाना खिला रहे हैं, ये एक ही वो चीज़ दे रहे हैं। तो भाई कोशिश किया करें अपने परिंदे को जो है ना सब्ज़ी खिला दी करें, कुछ ना कुछ चीज़ खिलाते रहा करें, आपका परिंदा ज़रूर खाएगा जितना हो सके। अगर तितर आपका ज़्यादा गर्म है तो उसको सब्ज़ियाँ ज़रूर खिलाया करें, कीड़ा हो गया, गोंगलू शोंगलू ऐसी चीज़ें जो है ना ये खिलाया करें, ये सब पत्तियाँ खिला दिया करें। तो मेरा भाई है उसके बाद क्या कहते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी जहन में नहीं आ रही, तो लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन लोगों के सफ़ेद बीठे मार रहे हैं तितर, उनके लिए नुस्खा ले कर आया हूँ। तो वो तवज्जो से आपने सुनना है, मेरा भाई काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में फिर जो है ना व्हाट्सएप पर तंग कर रहे होते हैं के स्क्रीन शॉट ले लेके भेज रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके भेज रहे होते हैं। तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार व्हाट्सएप नंबर मैंने इसीलिए दिया था लोगों को कि जो बच्चा लेना चाहते हैं या बड़ा परिंदा लेना चाहते हैं, यानी कि सेलिंग के काम के लिए मैंने नंबर दिया था। लेकिन अब मेरे काफ़ी सारे भाई हैं ऐसे जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन शॉट भेज रहे होते हैं, मेरे परिंदे को ये मर्ज लग गई है, मेरे परिंदे को ये मसला हो गया, वीडियो बना के भेज रहे होते हैं, बार बार वॉइस कर रहे होते हैं। तो भाई उनके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि यार ऐसा मत करें। सिर्फ आपको परिंदा लेना है या कोई चीज़ लेनी है तो आप वॉइस करके छोड़ दिया करें, जब मुझे टाइम मिल जाया करेगा मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। लेकिन अभी भी जो लोग मुझे अपने मर्ज के लिए या कोई भी मसला है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको भी ये नहीं कह रहा कि बाप भाई क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको अभी वीडियो में बता रहा हूँ। उधर मैं सबके साथ एक जैसा रवैया, जैसे आपको आपका भाई का रवैया है वैसे ही मिलेगा, लेकिन मैं आपके सामने इधर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार उधर व्हाट्सएप पर सिर्फ जो सेलिंग वाले लोग हैं वो आएँ प्लीज़, और वो भी एक मैसेज करके छोड़ा करें, जब मेरे पास परिंदा होगा या बच्चे आ जाएंगे मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो मेरा भाई आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट एक और करता हूं कि यार आपका परिंदा है ना, आप ये कपड़ा जो जिसको हम बुग बसरी ऊपर वाला कपड़ा, ये सारी चीज़ें जो है ना, उसके बाद गद्दी, इन चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके केयर किया करें, धोया करें, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के ना जितना हो सके इस चीज़ को धो के रखें, क्योंकि आपका परिंदा जब बीठे करता है अंदर बीठे जमा होती रहती हैं, तरह तरह की चीज़ें आपका परिंदा खाता है, तो वहाँ से भी बीमारी स्टार्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ से भी बीमारी स्टार्ट होने के। तो भाई इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके धो के साफ़ करके रखा करें। तो बात कर लेते हैं जिनका परिंदा सफ़ेद बीठे कर रहा है उसका इलाज क्या है। उसका इलाज मेरा भाई ये है, आपने किसी भी मेडिकल स्टोर पे चला जाना है, वहाँ पे बोलना है 5 लाख का टीका, यानी कि 5 लाख टीके का नाम है, ये नहीं कहना कि 5 लाख पैसे, ये नहीं भाई बोल रहा हूँ, 5 लाख टीके का नाम है। किसी भी मेडिकल पे चले जाएँ, उनको बोले कि भाई 5 लाख टीका दे दें, वो आपको दे देंगे, वो सफ़ेद पाउडर सा होगा, वो आपने घर ले आना है, घर ला के जो चने मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, एक नमक वाला चना होता है वो कभी नहीं आपने देना,
चना आपने मीठा देना सादा देना है जी, यानी कि चने आम ही मिल जाते हैं, उसकी गरी निकाल लेनी है, उनका पाउडर बना के यानी कि रगड़ाई करके पाउडर बना लेना है हल्का सा, उसको पानी लगा के जैसे गोली बन जाए तो उस गोली के अंदर आपने हल्का सा पाउडर वो माचिस की तीली से उठाना है, उसके अंदर लगा के गोली बना के आपने अपने तित्तर के मुंह में दे देनी है। तो इंशाल्लाह एक दिन दें, दो दिन दें, इससे ज़्यादा नहीं आपने देना, इससे ज़्यादा देंगे फिर भी नुकसान है, दो दिन दें, हद तीन दिन दें, इससे ऊपर ना दें, तो आपका तित्तर जो सफ़ेद बीटे करता है उससे आपका तित्तर जो है इंशाल्लाह शफायाब ज़रूर हो जाएगा। तो भाई वीडियो को जो है ना, कोई भी नुस्खा होता है, कोई भी बात होती है तो तवज्जो से सुना करें। एक कल भी बंदे के साथ ऐसा इशू आया था कि उसने मुझे व्हाट्सएप पे जो है, मैंने उसको अक्सर आपको पता होगा मैंने एक खुराक बताई है जिसके जिससे आपका तित्तर बोलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो खुराक मैंने बताई थी उस बंदे को, उस बंदे ने ना क्या काम किया, नमक वाले चने ले लिए, वीडियो पूरी नहीं देखी, बात पूरी नहीं सुनी, तवज्जो से नहीं सुनी, चला गया चने ले आया, नमक वाले ले आया, तो उससे क्या हुआ कि उसका तित्तर जो है वो बीट का जो मैं भी आपको बता रहा था सफ़ेद वाली वाइट वाली वो करनी स्टार्ट कर दी। तो मैंने उससे पूछा कि आपने चने कहाँ से लिए, बोला फलानी मार्केट से, वो जो 10 रुपए का पैकेट मिलता। मैंने कहा अल्लाह के बंदे वो उसमें नमक लगा होता है। उसने फिर चेक किया, बताया हाँ जी वो उसमें तो नमक लगा हुआ है। तो मेरा भाई पहले बात को या वीडियो को पूरा सुन लिया करें, तवज्जो से देखा करें, हम जो भी नुस्खा बताते हैं ना 100% क्लियर बताते हैं, लेकिन आपके सुनने में गलत आ जाए या अगर आपके वो नुस्खा बनाने में गलत हो जाए तो उसकी हम गारंटी नहीं देते, लेकिन हम जो बताएंगे वो हमारी वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, लिख लें, कहीं स्क्रीन शॉट ले कर रख लें, इंशाल्लाह जो वीडियो के अंदर बताया जाएगा वो 100% हकीकत होगा। तो हमारा जो परिंदा है आप देखते हैं ना कि भाई काफ़ी सारे लोग बोल रहे होते हैं, मगर भाई आपका परिंदा तो वीडियो के अंदर लगातार बोल ही रहा होता है, आपकी तीन तीन वीडियो एक ही जगह पे बैठ के बनती हैं, तो आपका परिंदा तो बोल ही रहा होता है, या आपका परिंदा आपके घर में, मैंने फ्रिज के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी सारा देखा है। तो मुझे दोस्त बोलते हैं कि मगर भाई आपका परिंदा इतना क्यों बोलता है, आप ज़्यादा नुस्खे देते हैं, आप ज़्यादा महंगा तित्तर लेके आते हैं, कि आप क्या करते हैं। तो भाई उसकी वजह पता है क्या, एक चीज़ बता दूँ, एक तो परिंदा ये महंगा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे हम खुद जो नुस्खे आपको बताते हैं बना के दिखाते हैं वो नुस्खे पहले हमारे तित्तर के ऊपर लगते हैं तो फिर आपके सामने जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते, पहले हमारे तित्तर एक हो, दो हो, चार हो, छः हो, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त हो, हमारे शगिर्द हो, उनके ऊपर ये नुस्खे इस्तेमाल होते हैं। जब नुस्खा हमें वेरीफाइड हो जाता है कि भाई ये नुस्खा 100% काम कर रहा है, इसका कोई नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही है, तो तब वो नुस्खा जब इधर आता है वीडियो के ऊपर, पहले नुस्खा नहीं आता। तो आज की वीडियो बस यही थी, अपने भाई को दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, दुआ में याद रखना, अपने भाई को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।